सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों के उत्पीड़न के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने के 119 दिन पूरे होने और आमरण अनशन के 59वें दिन श्रमिकों के परिजनों ने सेंचुरी का विरोध किया। इस दौरान श्रमिकों के परिजनों ने कहा कि श्रमिकों के आंदोलन का लंबा समय बीत जाने के बाद भी सेंचुरी प्रबंधन अपना अड़ियाल रवैया अपनाए हुए है, जिससे पारिवारिक स्थिति भी दयनीय होती जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है, जिससे परिवार को जो है भूखे मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि जल्द से जल्द परिवार की माली हालात को देखते हुए समस्या का समाधान किया जाए। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। 119 दिन हो गए हैं अनिश्चितकालीन धरने को और 59 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल को। और आज हमारे बीच में ढकोला है, क्या नाम मुन्ना ढकोला जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन उनका है आमरण अनशन का। और अब बाकी आप क्या पूछना चाहते हो? सेंचुरी प्रबंधन के लोग या इनकी कल 125वीं जो जयंती है उसमें कुछ नया करवाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं कि 119 दिन इस धरने को हो गए हैं और भूख हड़ताल को भी यहाँ पर 40 दिन हो गए हैं, इसलिए परिवार की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई है। ये लोग कहाँ, माननीय विधायक जी मोहन बिष्ट जी के पास सब जगह जा चुके हैं, पर कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। तो हम महिलाएं सब एकजुट हो गई ये कहना चाहती हैं कि इनको इनका अधिकार देना चाहिए। जो इन्होंने 10 साल उस सेंचुरी को अपना दिया है, तो इसमें ये अब इनके जब इनके घर की हालत इतनी दयनीय हो गई है तो इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं वो।